तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। किसी भी लड़की को आसानी से कैसे पटाएं, ऐसा क्या करें कि जिससे कोई भी लड़की आपके पास झक मार के आए और बोले कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अगर ये ना भी बोले तो वो आपको आंखों या अपने हाव भाव से या अपने बॉडी लैंग्वेज से इतना भाव दे कि आप समझ जाओ कि ये UPSC फॉर्मूला काम कर गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ जिससे लड़की आपसे ना ही केवल पटेगी बल्कि लड़की आपको अपना सब कुछ मानेगी। तो पॉइंट नंबर 1 है, अंडरस्टैंड द गर्ल। भाई, किसी भी लड़की को कैसे पटाए ये बहुत ही बड़े बोल है जो बड़े जल्दी सच हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लड़की को, मतलब जिस लड़की को आप पटाना चाहते हो, उसको समझना पड़ता है। अगर आप समझ जाते हो तो लड़की खुद आपके पास झक मार के आती है, लेकिन अगर आप नहीं समझते हो, नासमझी करते हो जैसे आप अभी कर रहे हो, तो आप लड़की के पीछे ही झक मारते रहते हो। तो लड़की को आपको समझना पड़ेगा और लड़की के बारे में आपको थोड़ी जानकारी टटोलनी पड़ेगी जिससे आपको लड़की के बारे में पता चलेगा कि उसका पहले से ही चक्कर है या नहीं और वो कितने पानी में है। और क्या पता कि जिस लड़की को आप पटाने की कोशिश कर रहे हो वो किसी और के लिए झक मार रही हो। तो लड़की को पटाने से पहले, लड़की के पीछे झक मारने से पहले जाने कि लड़की के पर कितने हवा में है। तो सेकंड पॉइंट है परफेक्शनिस्ट। मुझे एक बात बताओ, जिस लड़की को आप अभी इम्प्रेस करना चाहते हो या जो लड़की अभी आपको अच्छी लगती है, उस लड़की को आप क्यों इम्प्रेस करना चाहते हो और वो लड़की आपको क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसके अंदर आपके हिसाब से कुछ ना कुछ परफेक्टनेस है, तभी आप उसके आगे पीछे घूमते हो। या तो वो दिखती अच्छी है, या तो उसका नेचर अच्छा है, या तो वो बोलती अच्छी है, या फिर उसका बात करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तभी आप उसके पीछे दीवाने पड़े हो। तो ऐसे ही भाई, लड़कियां भी सिर्फ उन्हीं लड़कों की दीवानी मस्तानी होती है जिन लड़कों के अंदर कुछ परफेक्ट होता है। तो अगर आपने फर्स्ट पॉइंट को हल्के में नहीं लिया, लड़की को समझा, फिर सेकंड पॉइंट में अपने आप को उस चीज़ को अच्छा किया जो चीज़ लड़की को अच्छी लगती है, तो धीरे धीरे आपके तरफ लड़की खुद अट्रैक्ट होगी। आपको कोई मंत्र थोड़ी ना पढ़ने हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है, सो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अगर आप चाहते हो कि कोई भी लड़की आपसे आसानी से पट जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आपको दिलचस्प, रोचक और इंटरेस्टिंग बनना पड़ता है जिससे लड़की को आपके अंदर रुचि आए। लड़की आपको देखे तो बोले, यार ये बंदा नया है, इस बंदे में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है। अब आप इंटरेस्टिंग बनोगे कैसे, बात यहीं फंस जाती है। लेकिन यहाँ बात आती है कि लड़की की डिमांड क्या है। जिस लड़की को आप इम्प्रेस करना चाहते हो या आप चाहते हो कि कोई फलानी लड़की आपको इम्प्रेस करे, उस लड़की की डिमांड क्या है। वैसे आजकल की लड़कियों की ज़्यादातर डिमांड होती है कि लड़का उनसे झूठ बोले, उनके साथ बैठकर फालतू के गप्पे करे, चुगली करे, उनको बीच बीच में हंसाते रहे। वो जिस बंदे या बंदी की बुराई कर रही है, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बैठकर उस बंदे या बंदी की चारों ओर बुराइयां करे। ये चीज़ आजकल की लड़कियों की पसंद होती है। तो ये चीज़ें अगर आप में आ गई और इन चीज़ों से अगर आप लड़कियों को मजे देने लग गए, तो शुरू में तो नहीं, लेकिन 20 से 30 दिन बाद लड़की आपके बिना नहीं रह पाएगी। तो अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की, जो है कैच द चांस। भाई, हर बार ऐसा नहीं होता कि लड़के झक मार के लड़के के पास आए। कई बार लड़कियां थोड़ा दूर से जो लड़का उन्हें पसंद आ जाता है, उन्हें वो साइन देती है, जैसे कि बिना वजह बार बार देखती है, कभी कभी स्माइल कर देती है, कभी कभी कुछ इशारे पास कर देती है, और कभी कभी बिना वजह कुछ ना कुछ कमेंट पास कर देती है। तो इन सब का 80% मतलब तो यही होता है कि लड़की आपको सेटिंग करने के लिए साइन दे रही है और वो तड़प रही है कि आप उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि 20% लड़कियाँ ऐसी भी होती है जो लड़कों को ऐसे ही साइन देकर सिर्फ उनसे मजे लेती है, उनकी आदत ही ऐसी होती है। तो यहाँ आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि जो लड़की आपको साइन दे रही है वो लड़की 20% लड़कियों में से है या फिर 80% लड़कियों में से है। यहाँ बस सिर्फ आपको UPSC मेथड अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर देते हो तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी लड़की आपसे आसानी से पट जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।